हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ और आपका मेरे सभी चैनल्स पर, जिसका नाम है दिल से दिल तक और शीनूज ड्रीम कलेक्शन, दोनों पर ही मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों से हर तरह की हर वो बात करना चाहती हूँ जो दिल से, मेरे दिल से आपके दिल तक पहुँचे, और उसमें रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा नया सुनने को, देखने को या महसूस करने को मिल जाता है कि क्यों ना उसके बारे में दूसरे से भी बात की जाए। शायद जिस सोच से, जिस दौर से, जिस कठिनाई से हम गुज़रे हों, हो सकता है सामने वाला भी कोई ना कोई, इतनी करोड़ों अरबों की जनसंख्या में सेम दौर से गुज़रने वाले बहुत लोग होते होंगे। एक फेज़ आता है सभी की लाइफ में आता है, और हो सकता है वो आप सबकी लाइफ में भी आया हो, किसी किसी की लाइफ में आया हो, तो उसे एक दूसरे को समझने में मदद हो जाती है और कुछ नहीं। और इसे ये नहीं कह सकते आप लोग कि जिसे देखो वो हर कोई बस ऐसे ही बातें कर रहा है, जिसे देखो मोटिवेशन देने आ रहा है, जिसे देखो बस ये सोचता है कि हम ही हेल्प कर सकते हैं या हम ज्ञाता हैं, हम ज्ञानी हैं। जी नहीं, हर एक का एक्सपीरियंस, हर एक का अनुभव अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए आपको हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई जीवन में सबक मिला हो, किसी को बड़ों से रिलेटेड होता है, इसे अनुभव कहते हैं। तो वो अनुभव एक दूसरे से शेयर कर लेना, आई डोंट थिंक कि कुछ उसमें बुराई है। तो मैं यहाँ जस्ट जो बात आपसे करने आई हूँ वो ये है कि आजकल जो हो रहा है ना, लोग मेन है कि लोग अपने आप को जैसे हैं वैसा स्वीकार नहीं कर रहे। अब जैसा हैं का मतलब ये नहीं है, मैं किसी और उसमें नहीं जा रही हूँ, फ़िलहाल जैसे वो दिखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ सांवली, सांवला रंग है, और मुझे इस रंग पे कोई ऐसा कोई बुरा वो नहीं दिखता है। मैंने कभी इससे रिलेटेड, मतलब अगर कभी लाइफ में कुछ किसी ने महसूस करवाया हो तो हो सकता है मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे खुद कभी नहीं लगा कि मुझे किसी तरह से भी भगवान ने कम बनाया है। भगवान ने दो ही रंग बनाए हैं दुनिया में, और उन दो रंगों में से एक ये रंग भी है। दो क्या, आप तो 3, 4, 5 रंग आप कह सकते हैं, गोरा और काला ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अपने आप को आप जैसे हैं उसे स्वीकार करना सीखिए। इसमें जैसे है का मतलब ये है कि देखिए, एक होता है अपने आप को साफ़ रखना, एक होता है अपने चेहरे को साफ़ रखना, एक होता है ये लीपापोती करना। लीपापोती करने के बाद अगर अपने आप को आप सोचते हैं कि खूबसूरत हैं, तो वो असली खूबसूरती ही नहीं है। हाँ, वो निखारना है, अपने आप को मेंटेन रखना है। अपने आप को मेंटेन रखने पर लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार अपने आप को दिन में बिना मेकअप के, बिना जैसे आप हैं वैसे ही एक बार देखें और अपने आप को प्यार ज़रूर करेगी। भगवान ने आपके नैन नक्श, आपका मुंह, नाक, आंखें बहुत प्यार से जब उसने संरचना की है, जब उसने निर्माण किया, तो उसने आपको कुछ समय दिया है। जितना समय सबको दिया है उतना ही समय उसने आपको बनाने में भी दिया है। तो उसको जैसे आप हैं उसको प्लीज़ वैसे ही स्वीकार करें। सांवला रंग, गोरा रंग, मुझे फेयर होना है, मुझे फेयर होना है, बहुत लोगों में ये चीज़ मैंने देखी है कि जो सांवले हैं वो सोचते हैं ये काले हैं, थोड़ा सा भी काला रंग है तो हमें गोरा होना है, हमें गोरा होना है, और पता नहीं कितनी कितनी तरह की क्रीम्स ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट उनको मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, वो उसको धड़ाधड़ अपने फेस पर लगाने में लगे हुए हैं। अब अगर आप YouTube चैनल खोल के देखेंगे, हर कोई हर चीज़ लगाने को कह रहा है, लेकिन उसमें आपको अपनी समझ का, अपनी अकल का इस्तेमाल करना है, ये सोचना है कि क्या ये चीज़ मुझे लगानी चाहिए। आज एक चैनल खोलेंगे तो कुछ लगाना है फेस पे, दूसरा चैनल खोलेंगे तो कुछ और लगाना है फेस पे। कोई आलू लगा रहा है, टमाटर लगा रहे हैं, सब जो जो आ रहा है, बेसन और मुल्तानी, बहुत पुराना हमारा आयुर्वेदिक टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं, लगाना सब कुछ अच्छा है, फेस पे कुछ भी आप लगा रहे हैं, मेन होता है कि पता क्या होता है, बेसिकली क्या है, हम अपने चेहरे को साफ़ करने में टाइम नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं साबुन से, शैम्पू से, फेस वॉश से, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं और चले जाते हैं। उसमें क्या हो रहा है हमारे साथ, हम सोच रहे हैं कि हम ना अपने चेहरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। फिर जब हमको वीडियो दिखती हैं तो हमें दिखता है कोई कह रहा है आलू लगाइए, टमाटर लगाइए, दोनों को मिक्स करके लगाइए, मुल्तानी लगाइए, बेसन लगाइए, आधा घंटा रखिए, एक घंटा रखिए, पौना घंटा रखिए, जो भी है। देखिए, मैं उन चीज़ों को गलत नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और सच में फेयरनेस या सफाई या क्लीनिनेस आती है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है और वो है आपका एफर्ट।
और आपका दिया जाने वाला समय, यानी आपको जब किसी ने कुछ कहा कि लगा लीजिए फेस पे, आप चाहे घिस रहे हैं, कद्दूकस कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, एलोवेरा लगा रहे हैं, जेल्स लगा रहे हैं, स्किन केयर रूटीन में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब वो टाइम आप देंगे अपनी स्किन को। और जब आप अपनी स्किन को टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपनी स्किन के ऊपर वो टाइम इन्वेस्ट किया। और जैसे ही आपने अपने टाइम, अपना स्किन को, अपने आप को, अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को समय देना शुरू किया, उसने वो रिजल्ट्स भी देने शुरू किए। तो यहाँ प्लीज़ अंधाधुंध सारे यूट्यूब चैनल्स को या सभी रूटीन्स को यूँ धड़ाधड़ फॉलो मत करें। एक बार सोचें कि क्या सच में आपको ज़रूरत है। अभी मैं तो अपने आप के हिसाब से बताती हूँ। मैं ये सोचती हूँ हाँ मेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन वो जो भी स्किन प्रॉब्लम है, मान लीजिए मुझे छाइयाँ हैं या मेरे डार्क स्पॉट्स हैं, ये चाहती हैं मेरे इम्यून सिस्टम को करेक्ट करना। मतलब ये उस चीज़ का निशान है कि भाई आपका पेट सही नहीं रहता है, आपको खाने में कुछ दिक्कत है, या आपका जब तक पेट से रिलेटेड कोई भी इशू है तब तक आपके स्किन पे वो नज़र आएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि चेहरे पे लगा लें, वो आउटर क्लीनिनेस हो सकती है कि आपका चेहरा बाहर से चमक जाए। कुछ टेम्परेरी आप लगाया, थोड़ी देर फंक्शन पार्टी अटेंड की, बड़े सुंदर दिखे, लेकिन जब आप आके घर फेस वॉश करते हैं तो फिर से आप देखते हैं कि आपका फेस तो बस ठीक ही है, मेकअप के साथ अच्छा है, अदरवाइज़ तो मैं ओके ही हूँ, है ना। ऐसे सोच आती है ना, तो उसके पीछे कारण होता है कि आप खाइए। जब आप खीरा लगा रहे हैं तो उस खीरे को खा भी लीजिए, क्योंकि हम औरतें तो मैक्सिमम क्या करती हैं, खुराक तो ठीक है, हम कहीं हम खाते सब कुछ हैं, लेकिन मैं फ्रेंकली अगर आपसे कहूँ कि हम कंपैरेटिवली जितना केयर अपने परिवार का करती हैं ना, हम उतना खुद नहीं करते हैं। हाँ, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, घर में बड़े हैं, जिनको भी है, हम जब उनको खाना दे रहे होते हैं ना, हम सोचते हैं कि चलो उनको दे दिया, अपने को काम, अपना तसल्ली हो गई, अपने को अच्छा लगा कि उन्होंने खा लिया। इसमें गलत भी कुछ नहीं है बाय द वे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो गलत है, लेकिन अगर मान लीजिए आप उनको चार टुकड़े देती हैं, सबको चार टुकड़ा, चार पीसीज आप परिवार में बांट रही हैं, तो एक टुकड़ा आप अपने लिए भी रखना नहीं है, छीनना नहीं है, लेकिन अपने मुंह में भी डालेंगे तो शायद उसका फ़ायदा होगा। तो जो चीज़ें आप खा नहीं रही हैं लेकिन उनको फेस पे लगाने का टाइम आप निकाल लेती हैं, तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ मेरी बातों को समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ। पहली बात जो आज मैंने बताई आपको कि मैंने बोला है, दिल से बोला है, जो चीज़ें अपने आप को आप जैसी हैं प्लीज़ वैसा ही स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। सांवली, गोरी, काली, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मेन होता है आप बोलते कैसा हैं, आप किसी से बात कैसे करते हैं, आपसे कोई कितना इम्प्रेस होता है, आपकी कंपनी कोई कितनी पसंद करता है, उसमें सांवला, गोरा, काला होना कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आपकी इंटरेक्शन अच्छी है और लोग आपके साथ बैठना अच्छा पसंद करते हैं, उसमें गोरा काला देख के कोई नहीं बैठता कि आप काले हैं या इसलिए हम नहीं बैठेंगे, आप गोरे हैं इसलिए नहीं। हाँ, वो सोच काली गोरी हो सकती है, यहाँ सोच का अलग एक मुद्दा है, उसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। तो फिलहाल पहले अपने आप को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करिए। और मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है। अब लोग कहेंगे आप अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम, अफोर्ड करना भी यहाँ मुद्दा नहीं है। जब स्किन का प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आपको जो चीज़ लगानी है वो लगानी ही पड़ेगी, है ना, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और तैयार होना, अपने आप को मेंटेन रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बस जब आपको कोई कह रहा है कि स्किन पे ये लगाइए वो लगाइए, तो आप जितने अगर 50 यूट्यूब चैनल्स आप खोलते हैं, उनमें से 49 में आपको कुछ ना कुछ लगाने के लिए मिल जाएगा कि ये लगाइए वो लगाइए। बस वो मुद्दा कहाँ आके वो हो जाता है कि आपको सिर्फ वो समय है जो अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करना है। यानी अगर आपको कहा गया कि 10 मिनट बेसन रखिए, 5 मिनट मुल्तानी मिट्टी रखिए, तो यानी ओवरऑल आपने 15 मिनट अपने चेहरे को दे दिए, जो कि आप डेली रूटीन में नहीं देते हैं। और आप सोचते हैं कि अरे वाह, आज तो मेरा बेसन लगाया मैं चमक गई, अरे मैंने मुल्तानी लगाई चमक गई। ये तो आप रोज़ भी करें तो चमके हुए लगेंगे ही। और चमकना किसी भी तरह से आपके अच्छा होने का सबूत नहीं है। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी बातों को समझिएगा, मेरा इसमें किसी को भी हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। प्लीज़ अपने आप को जैसे हैं वैसे स्वीकार करिए। जैसे मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, आई लव माई सेल्फ, क्योंकि मैं भी उसी भगवान का क्रिएशन हूँ जिसने मेरे आसपास की दुनिया बनाई है, जिनको देख के भी मेरे मुँह से ये निकलते अरे वाह कितनी सुंदर चीज़ है। उनमें से एक मैं खुद भी हूँ। मैं बोलती हूँ अरे वाह मुझे कितना अच्छा बनाया भगवान ने, मेरी आँखें सुंदर है, मेरे होंठ सुंदर है, मेरा नाक सुंदर है, मेरा मुझ सुंदर है, मैं सुंदर हूँ, मुझे भगवान ने पूरा बनाया है।
तो शुक्राना कीजिए कि आपको भगवान ने पूरा बनाया, पूरा इन द सेंस कि देखिए कई बार क्या होता है कोई ना कोई हमारे अंदर कमी रह जाती है, और वो कमी नहीं है उसमें कहीं ना कहीं कोई फिज़िकल कोई मेडिकल इशू होता है, ठीक है उस चीज़ के साथ भी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी, लेकिन आप भगवान को सिर्फ शुक्राना करके सुबह उठिए और भगवान शुक्र है तूने मुझे इतना अच्छा बनाया है, तूने मेरे ऊपर समय दिया है, तूने मुझे क्रिएट किया है, तो उसकी उस क्रिएशन का रिस्पेक्ट करते हुए लव योर सेल्फ और रिस्पेक्ट योर सेल्फ। थैंक यू आपने मुझे समय दिया, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।